एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं आज एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई किए हैं 2022 में तो आपके लिए यह वीडियो बेहतर साबित होगा। देख पा रहे हैं लिखा गया है खबर सीधे रुहेलखंड विश्वविद्यालय से लाइव। बिल्कुल मैं आपके सामने आज आप एक रुहेलखंड विश्वविद्यालय से अपडेट निकल कर आए, उस अपडेट को मैं आपके सामने साझा करूंगा। लिखा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार बने इतने भारी संख्या में सेंटर। बिल्कुल अगर देखा जाए आज की जो यह अपडेट निकल कर आई है कहीं ना कहीं इतिहास में पहली बार इतनी भारी संख्या में इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है लाखों फार्म होंगे रिजेक्ट। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि लाखों फार्म क्यों रिजेक्ट होंगे इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम के दौरान और कितने मार्क्स पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा यह बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि अभी आप सभी को पता है आपका जो भी एग्जाम है संभवतः 1 से 1.5 महीने के बाद, अभी मैं इस पर बेहतरीन तरीके से बात करूंगा, 6 जुलाई को आपका एग्जाम है। नीचे आप देख पा रहे हैं आप बीएड करने जा रहे हैं तो यह वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर यह वीडियो आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो नंबर होंगे या कहा जाए अगर आप किसी चीज़ को टारगेट बनाकर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती हैं। तो इधर आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 1400 से अधिक केंद्र बनाने की तैयारी। हमने अभी आपसे कहा कि यह सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है जो इतिहास में पहली बार इतनी भारी संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। देखिए लिखा जा रहा है रुहेलखंड विश्वविद्यालय मंगलवार तक तय करेगा परीक्षा केंद्र। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है। इस बार परीक्षा केंद्र के लिए 1400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है। इससे पहले इस परीक्षा केंद्र के लिए कभी इतनी भारी संख्या में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए थे। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के फॉर्म 20 मई तक भरवाए गए थे। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से आवेदकों और उसके साथ संलग्न प्रमाण पत्रों भारांकों की जांच के लिए टीम बनाई गई। जांच किस तरह से होगी, अंकों का जोड़ कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए तकनीकी एजेंसी विश्वविद्यालय के 25 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने में जुट गया है। इस बार 1400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है। विश्वविद्यालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों को इस बार उनके जनपद में ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा, इससे लंबी दौड़ नहीं लगानी होगी। इस बार विश्वविद्यालय के आवेदकों को रिकॉर्ड 6,69,000 अभ्यर्थी में आवेदकों में से 20 दिन लग सकते हैं। आवेदकों की जांच में 20 दिन लग सकते हैं। इसके बाद प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। आपने देखा टोटल फार्म जो पड़े हुए हैं वह 6,69,000 फार्म पड़े हुए हैं और इनके जांच में नंबर कहां कैसे क्या हुआ है पूरे जो है 20 दिन की बात ये कह रहे हैं। इधर आप देख पा रहे हैं आपका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, आप पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं। आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ये सब तो खत्म हो गया। जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वह जुलाई में रखी गई है और जो आपका एडमिट कार्ड है वह एग्ज़ाम 6 जुलाई के संभवतः 25 जून इसी जो है ये मान के चलिए कि 1 जुलाई के आसपास में आपके जो भी एडमिट कार्ड है वह आने की संभावना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं रिजल्ट डिक्लेयर जो होगा वह 5/8/2022 को और काउंसलिंग जो आपकी शुरुआत होगी वह 10/8/2022 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यहाँ लिखा जा रहा है कि आप कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज पा सकते हैं, तो बिल्कुल अगर देखा जाए आपको जो भी सरकारी कॉलेज मिलेगा अगर आप लगभग 250 नंबर के आसपास में पाते हैं तो आप सरकारी कॉलेज के इर्द गिर्द पहुँचेंगे। और यहाँ देखिए लिखा जा रहा है कि लाखों फार्म होंगे रिजेक्ट। इसके पीछे कारण यह है कि अगर आप किसी चीज को गलत किए होंगे और आप संशोधन के समय अपने फॉर्म को संशोधन नहीं कराए होंगे तो इनका सिर्फ यही कहना है कि अगर इस तरह के फॉर्म हमें मिलते हैं तो पूरी तरह से हम फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।